मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा अभी, वो कृपया ध्यान से सुन लीजिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये होता है गियर हैंडल, ये होता है हैंड ब्रेक, ये होता है अपना स्टीयरिंग, ये होता है अपना डैशबोर्ड। इसको पूरे को डैशबोर्ड बोलते हैं, लेकिन भाई अपने लिए तो ये काम का रहता है। सो गाइज, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैं बैठा हूँ मारुति ओमनी के ड्राइविंग सीट के ऊपर। तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो, ये है मारुति ओमनी की कीज़, जो कि कुछ यहाँ पर इस प्रकार एंटर होती है। एक बार रोल करेंगे कुछ नहीं होगा, उसकी अगली बार रोल करेंगे तो देखिए डैशबोर्ड में कुछ लाइट चमकेंगी। तो ये बेसिक में एक मेन थिंग होता है। तो ये है अपनी चेक इंजन वाली लाइट, इंजन चेक वाली लाइट, और ये जो है ये है ब्रेक ऑयल वाली लाइट, ये है बैटरी अल्टरनेटर करंट वाली लाइट, और ये होती है अपनी ऑयल प्रेशर वाली लाइट। तो ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि गाड़ी की गियर पोजीशनिंग क्या क्या होती है। तो भाई आप मारुति ओमनी मत लीजिए, आपको जो पसंद है गाड़ी या फिर आपके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी का आप गियर पोजीशनिंग सबसे पहले जान लीजिए। तो अभी अपने मारुति ओमनी में होते हैं टोटल 4 गियर, और रिवर्स पकड़ के होते हैं 5 गियर। तो पहला गियर, जब भी अपन गाड़ी का गियर डालते हैं तो मेक श्योर कि आप क्लच ज़रूर दबाएं गाड़ी का। तो पहला गियर डालने के लिए अपन सबसे पहले क्लच प्रेस करेंगे, और पहला गियर कुछ इस प्रकार होता है, दूसरा उसके ही बैक साइड में होता है, तीसरा जस्ट न्यूट्रल करके थोड़ा सा राइट लेके आगे होता है, और चौथा उसके ही पीछे होता है। और रिवर्स डालने के लिए आपको गाड़ी न्यूट्रल लेके पूरा लेफ्ट साइड आपको ये लीवर दबाना पड़ता है, और उसको बैक साइड पीछे खींचना पड़ता है, मतलब आपकी गाड़ी का रिवर्स गियर भी गिर जाता है। सो गाइज, तो अभी अपन बात करेंगे ये जो 3 लीवर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 3 चीज़ों पे ही आपकी गाड़ी लगभग चलेगी। स्टेयरिंग का जजमेंट तो आपको आ ही जाएगा भाई, वो तो कोई भी सिखा देगा आपको, सिखाने की बात नहीं है भाई, किसी को भी आ जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये होता है क्लच, ये होता है ब्रेक, और ये होता है एक्सीलेटर। ठीक है, ये होता है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो भाई जब भी आप गियर डालते हो तो मेक श्योर आपको हमेशा क्लच दबा के ही गियर डालना है। देखिए, ये मैंने दबाया क्लच, और ये डाला मैंने पहला गियर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये रिवर्स। ठीक है, सो ठीक है गाइज, बेसिक तो आपने अभी देख लिया। तो अभी अपन करेंगे अपनी गाड़ी को चालू। ये देखिए मेरे हाथ में है कीज, मैं उनको डालूंगा यहाँ पर, घुमाऊंगा और गाड़ी स्टार्ट करूंगा। देखो गाड़ी अपनी जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तब ये सब लाइट्स गायब हो जाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी गाड़ी में अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो इसमें से जो भी लाइट चमकेगा आपको उसको उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ सकता है आपकी गाड़ी को। तो गाइज ठीक है, ये तो हो गया। अभी अपन देखेंगे कि भाई देखो, अभी तो अपनी गाड़ी चालू है, अपनी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है। तो अपनी गाड़ी को जब भी अपने को आगे करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्लच दबाना पड़ेगा, ये अपने को गाड़ी का फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा लेफ्ट लेफ्ट में लेके। देखिए आपको ऐसा लेफ्ट में लेना है और ऐसा पहला गियर डालना है। जब भी अपन पहला गियर डालेंगे गाइज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, और तो धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना है, जैसे कि अपन 2 व्हीलर चलाते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम। तो आप अभी देख सकते हो अपनी गाड़ी बढ़ना चालू हो गई है आगे। देखिए ये देखिए गाइज, अपनी गाड़ी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो पहले मैं आपको अभी ये तो टर्निंग कर लेता हूँ, गाड़ी राइट साइड में टर्न कर लेता हूँ। देखिए गाइज, ये मैंने गाड़ी कर लिया है टर्न। तो अभी दूसरा गियर डालने के लिए सेम प्रोसेस है दोस्त, क्लच दबाना है ऐसा। देखिए क्लच दबाना है, ये लेना है दूसरा गियर, और ये डाला हमने दूसरा गियर गाड़ी का थोड़ा सा पीछे। देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी अभी चल रही है, वापस से टर्न कर लेता हूँ गाड़ी एक बार। तो गाइज अभी आप देख सकते हो मैं चालू किया है गोप्रो। भाई गोप्रो के फुटेज और मोबाइल के फुटेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो होता ही है भाई। देखिए ये गुड़िया भी कितनी सही लग रही है मोबाइल में। तो भाई देखिए, अपन इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा वीडियो में ही आएंगे। तो भाई देखिए, अभी मैं डालूंगा पहला गियर। पहला गियर डालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली क्लच दबाना है, ये डालना है पहला गियर। और भाई देखिए, मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाऊंगा, तो अपनी गाड़ी बढ़ना चालू हो जाएगी आगे।
और गाइस बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जब भी वो गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी का, तो भाई उनके हाथ से स्टेयरिंग हिल जाता है। भाई अपन तो एक्सपर्ट है भाई, तो इसलिए हमारे हाथ अगर स्टेयरिंग पे नहीं भी रहे तो गाड़ी टर्न करेगी। ये ज़्यादा हो गया कुछ, इतना तो नहीं करेगा, लेकिन आप अभी देख लो। मैं अभी डालूंगा दूसरा गियर, एक 15 की स्पीड के बाद मैं डालूंगा दूसरा गियर। ये देखिए मैंने दूसरा गियर शिफ्ट किया है, सिंपल। आपको टाइम पास नहीं करना है गियर शिफ्ट करते वक्त, जस्ट आपको गियर शिफ्ट करना है प्यार से। तो गाइस अभी देखिए ये मैंने किया है गियर शिफ्ट। तो एक कार वाले को आगे जाने दो, रिक्शा वाले को। देखिए दोस्तों अभी मैं डालूंगा तीसरा गियर, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे भाई तीसरा गियर के लिए। देखिए ये डाला मैंने तीसरा गियर, सिंपल। अभी देखिए मेरी गियर शिफ्टिंग, देखिए ये डाला मैंने चौथा गियर। दोस्तों जब बहुत सारे लोग गियर डालते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं तो उनके हाथों से स्टीयरिंग हिलता है, नए नए ड्राइवर के हाथ से। तो भाई ये होता ही है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे सब, एवरीथिंग विल बी ओके। डरना नहीं है भाई, जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे गाड़ी चलाने के लिए तब तक आपको गाड़ी आने वाली है नहीं। तो दोस्तों ये था अपनी गाड़ी का ड्राइविंग का वीडियो। भाई आखिर में एक ही बात बोलूँगा कि आपको हमेशा करना है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस से ज़्यादा आपके लिए कोई चीज़ बड़ी रहनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइज अभी तो हमने समझ लिया कि गाड़ी को आगे बढ़ाना कैसे है, तो भाई आप भी मैं आपको बताऊँगा एक मेन चीज़ की गाड़ी की ब्रेकिंग कैसे करते हैं। तो भाई अभी आप देखो ये होता है ब्रेक लीवर, ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं भाई, मैंने पहले दो दो बार बता दिया है आपको। देखिए ये होता है ब्रेक लीवर। तो भाई अभी क्या करूँगा मैं, करूँगा क्लच को दबाऊँगा, पहला गियर डालूँगा और थोड़ी सी गाड़ी स्पीड में आने के बाद आपको बताऊँगा कि ब्रेकिंग कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने बढ़ाई है गाड़ी आगे धीरे धीरे, और ये देखिए मैंने डाला दूसरा गियर, अभी मैं डालूंगा तीसरा, और अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रेकिंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो भाई आपको जब भी ब्रेक करना है भाई, तो सबसे प्रॉपर वे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको क्लच दबाना है, देखिए आपको क्लच दबाना है पूरा, और ब्रेक को धीरे धीरे प्रेस करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी अचानक से रुकेगी नहीं, बननी होगी भाई, इंजन पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा इससे। अगर आप क्या करोगे, समझ लो आपकी गाड़ी गियर में है और आप सीधा ब्रेकिंग करोगे भाई, तो थोड़ा सा इंजन पर लोड आ सकता है उससे। तो आपको वैसी ब्रेकिंग नहीं करना है, आपको सिंपली क्लच दबाना है और गाड़ी का ब्रेक धीरे धीरे से प्रेस करना है, मतलब भाई आपकी गाड़ी प्रॉपर रुकेगी। तो ये था भाई एक मेन पॉइंट कि भाई गाड़ी को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद तो डिसलाइक करना, और भाई कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।